भी अपने एक सवाल करेंगे जिसमें दिया हुआ है अपने को वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन सी। अब इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे तो ध्यान में दो बातें रखनी है कि हमारे को इक्वेशन तो दे रखी है वाई स्क्वेयर और एस वाई और एस में निकालना है डी वाई बाई डी एक्स में, तो इसको हल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस से ये हमारे पास वाई और एस का संबंध डी वाई बाई डी एक्स से निकलेगा। तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला है अपने पास डी एस बाई डी वाई इज इक्वल टू वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यदि वाई और एस के बीच में संबंध है तो इसको सिंप्लीफाई करके इस फार्मूले की मदद से अपन काम कर सकते हैं। तो जो ये समीकरण है इस समीकरण को लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये हो जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी एस कॉन्स्टेंट है ज़ीरो टू एस एंड दिस विल गिव यू डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। अब अपने को इस समीकरण में मान दिया हुआ है डी एस बाई डी वाई का, तो इसी इक्वेशन की अपन हेल्प लेकर के इसका काम ले लेंगे। अब मेरे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले में यदि अपन चले तो डी एस बाई डी वाई इसका स्क्वायर करने पर इस फार्मूले का अपन दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो अपने पास आ जाएगा ये डी एस बाई डी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। तो इसको मान चाहिए तो इस डी एक्स अपॉन डी वाई को अपन इधर रखते हुए वन को उधर लेकर के चलते हैं, यानी ये अपन यदि ये देखें तो इसको अपन यही रखते हुए इस टर्म को इस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन डी एस बाई डी वाई का स्क्वायर माइनस वन। अब अपन इसमें करेंगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो ये अपने पास हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू इसका अंडर रूट ले लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा डी एस बाई डी वाई का स्क्वायर माइनस वन, और डी एस बाई डी वाई की वैल्यू यदि मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो वो वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ये थी हमारे पास वाई स्क्वायर वाई एस स्क्वेयर माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर का अंडर रूट अपॉन स्क्वायर रूट जाएगा दिया जाएगा मेरे पास एस। अब चूंकि मूल रूप से मुझे वैल्यू चाहिए डी वाई बाई डी एक्स तो इस पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेने पर ये अपने पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर का अंडर रूट। अब चूंकि ओरिजिनल जो इक्वेशन अपने पास थी उस इक्वेशन में हमें ये दे रखा था कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, तो यदि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास ये आता है वाई स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, एंड यदि एस का मान निकालना है तो मेरे पास आ जाएगा एस स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ये दोनों वैल्यूज ये और ये सब्स्टिट्यूट करने पर इसी इक्वेशन में रखता हूँ तो मेरे पास आता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का स्क्वायर रूट अपॉन सी, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। यानी हमारे को दी गई समीकरण में कहीं भी वाई और एक्स के बीच में रिलेशन नहीं था लेकिन फिर भी अपने को निकालना है तो किस फार्मूले की मदद से अपनी कर सकते हैं, तो ये काम अपने आसानी से किया। एक सवाल और करते हैं जिससे समझने की कोशिश करें। इस सवाल में जो खास बात है जो नोट करने की वो ये है कि हमें दिया हुआ कुछ भी नहीं है, केवल सीधा ये दिया है फोर एनी कर्व किसी भी वक्र के लिए, फॉर एनी कर्व प्रूव दैट साइन स्क्वेयर फाई डी फाई बाई डी थीटा प्लस आर डी टू आर बाई डी एस टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। लेकिन अपने को
कहाँ से प्रारंभ करना है ये अपने खुद को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस सवाल में हमें कुछ नहीं दे रखा है कि कोई कर्व की इक्वेशन नहीं दिए किसी भी कर्व के लिए, यानी जो जितने कर्व हम जानते हैं उन किसी भी दिए गए कर्व के लिए अपने को प्रूव करना है। तो अपने को ये देखना है कि किस किस में कहाँ से हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो यदि इस इक्वेशन को हम ठीक से नोटिस करते हैं तो अपने पास ये आता है कि यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जरूर होगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला हम जानते हैं उससे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और हम जानते हैं कि डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू कॉस फाई होता है। तो ये पहला स्टेप हमको मिल गया अपन किस तरीके से इस काम को कर सकते हैं। तो अभी और इसके दोनों तरफ वापस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करने पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा डी टू आर बाई डी एस टू इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ कॉस फाई। और चूंकि ये फाई का फंक्शन है तो हम इसको फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यूजिंग ऑयलर्स चेन रूल मेरे पास ये आ जाएगा माइनस साइन फाई डी फाई बाई डी एस। अब चूंकि फाई का एस के बीच में सीधा सीधा मान मुझे कुछ पता नहीं है और जो मेरे को इक्वेशन प्रूव करनी है वो ये कह रही है कि डी फाई बाई डी थीटा आएगा। ये हमको हिंट यहाँ से मिल रहा है कि फाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी है। तो इस इक्वेशन में हम एक बार फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो अपने पास इसको लिख सकते हैं माइनस साइन फाई डी फाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस। अब चूँकि डी फाई बाई डी थीटा भी मुझे चाहिए आर साइन फाई भी चाहिए तो अब कुल मिलाकर के मेरे पास ये बचा डी थीटा बाई डी एस, इसको एलिमिनेट करना चाहिए। तो मेरे को कुछ और फार्मूले यदि ध्यान में हैं तो हम इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो ये इक्वेशन मेरे पास अब आई है डी टू आर डी एस स्क्वेयर वाली, इस इक्वेशन को अपने आर से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। आर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास आर डी टू आर बाई डी एस टू इज इक्वल टू माइनस साइन फाई डी फाई बाई डी थीटा। और आर से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका सीधा सा कारण ये है कि हम जानते हैं कि आर डी थीटा बाई डी एस का मान है और साइन फाई होता है तो यहाँ पर सीधा फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए आर को यहाँ पर लिया, तो फार्मूला वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा आर डी टू आर बाई डी एस टू इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वेयर फाई डी फाई बाई डी थीटा। और अब यदि इस इक्वेशन को इधर मैं शिफ्ट कर देता हूँ इस वाले को इधर, तो जो फाइनल रिजल्ट है ये वही आ रहा है जो मेरे को प्रूव करना था। तो ऐसे सवालों में अपने को एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, क्योंकि इसमें कर्व की कोई इक्वेशन नहीं दी हुई थी। एक और सवाल अपन करते हैं जिसमें दे ये रखा है अपने को कि किसी कर्व 2a बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा के लिए सिद्ध करिए कि डी एस बाई डी साई इज इक्वल टू 2a साइन क्यूब साई। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो अपने को ध्यान रखना है और एग्जाम में भी बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। कर्व की इक्वेशन हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में है और जो उत्तर हमें चाहिए वो एस और साई में चाहिए, तो दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं देखना है। तो अपन इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, इस इक्वेशन का ध्यान रखना बाद में काम आएगी। तो जैसे पहले मैंने मेरे पुराने लेक्चर्स में भी यही कही थी कि जब कभी भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं हो तो ऐसे समय में हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस समीकरण में दोनों तरफ लॉग लेने पर मेरे पास ये आ जाएगा log 2a माइनस log r इज इक्वल टू log 1 प्लस cos थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन यदि अपन करते हैं तो ये हो गया मेरे पास कॉन्स्टेंट का यानी 0 माइनस 1 अपॉन r डी आर बाई डी थीटा, इसका हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा और इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin थीटा। माइनस से माइनस इन दोनों में कैंसिल हो गया, माइनस तो इनमें से चला गया, ये माइनस और ये माइनस। अब अपने को जो देखना है वो ये है कि इसको अपन आर डी थीटा बाई डी आर लिख लें तो ये हो जाएगी आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। राइट हैंड साइड में इसको हाफ एंगल में चेंज कर देते हैं अपन, तो ये अपने पास बन जाएगा 2 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2
cos theta by 2 सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस विल कैंसिल आउट विद दिस, दोनों अपने कैंसिल हो जाएंगे। यूँ यूँ देख लीजिए कि ये दोनों कट गया आपस में, दिस एंड दिस। तो अब अपने पास ये बच गया, दो से दो भी कट गया। इसके साथ साथ देखें तो अपन सिंप्लीफाई करने के बाद अगली टर्म में ये दो और ये दो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, एक cos theta से एक cos theta भी कटेगा, तो अपने पास ये बच गया वापस cos थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू, और जिसको अपन लिख सकते हैं कि कोट थीटा बाई टू। अब चूंकि अपन जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो अपने पास है दैट इज टेन फाई, तो टेन फाई इज इक्वल टू कोट थीटा बाई टू को अपन लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। इसको यदि सिंप्लीफाई हो तो हमारे पास फाई का मान आ गया पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। ये जो इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन अपने बार बार काम में आएगी, तो इस इक्वेशन को ठीक से ध्यान में रखना है। अब अपन वापस वहीं चलें कि अपने को दिया हुआ क्या है और करना हो क्या है। तो अपने पास चाहिए डिफरेंशिएशन विद एस का साई के रिस्पेक्ट में, और इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास साई कहीं नहीं है। तो अपने जैसे पिडल इक्वेशन में स्टार्टिंग में जो किया था तब मैंने आपको बताया था कि एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द इनिशियल लाइन, फाई है, फाई इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द रेडियस वेक्टर, और साई है वो एंगल है बिटवीन द टेंजेंट एंड द इनिशियल लाइन की लाइन है। तो ये रिलेशन इनका जो है थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साई, ये रिलेशन अपने को याद रखना है। इस रिलेशन की मदद से ही हमारा काम आगे चलेगा। तब अपने पास दे रखा है थीटा इज इक्वल टू, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साई। और अब यदि इसका अपन डिफरेंशिएशन कर लें, इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, एक काम तो ये हो सकता है। दूसरा काम ये कि जो अपने पास ये इक्वेशन है इसकी मदद से किसी एक एंगल का अपन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। तो चूंकि फाई के रिस्पेक्ट में अपने को वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से फाई का मान यदि अपन इसमें रखें तो ये मेरे पास हो जाएगा थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू इज इक्वल टू साई। थोड़ा और यदि अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो अब ये बन जाएगा मेरे पास पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू इज इक्वल टू साई। अब ये फंक्शन हो गया मेरे पास थीटा और साई के रिस्पेक्ट में, और इसका मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं कि इसको वी कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये मेरे पास डी एस बाई डी साई यहाँ से बन जाएगा। अब ये है कि इसकी वैल्यू ये भी ले सकते थे, और ऑल्टरनेटिवली और सिंप्लीफाई करें तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका जो मान है अपने पास ये थीटा के रूप में आ गया, इसको डिफरेंशिएट करें तो अपने पास ये हो जाएगा वन बाई टू डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू डी साई बाई डी एस। अब चूंकि डी थीटा बाई डी एस के लिए अपन रिलेशन जानते हैं, हम जानते हैं कि एक फार्मूला है, जानते हैं कि आर डी थीटा बाई डी एस, आर डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू साइन फाई। तो दिस एम्प्लाइज डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू साइन फाई बाई आर। जो ये मान अपने पास आया है ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास आ जाएगा ये वन बाई टू इंटू साइन फाई बाई आर इज इक्वल टू डी साई बाई डी एस। अब इसको यदि अपन आगे चलें और सिंप्लीफाई करें तो दिए गए कर्व की इक्वेशन वापस चलते हैं अपने पास। तो दिए गए कर्व की इक्वेशन थी मेरे पास 2a बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, यदि इसको हाफ एंगल में चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, तो ये मेरे पास बची वापस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। और सिंप्लीफाई कर लें तो ये अपने पास आ जाएगी a बाई आर, ए बाई आर कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू। अब थीटा बाई टू का मान अपन निकाला था कितना था, पाई बाई टू माइनस फाई, यदि वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा अपने पास ए बाई आर कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू, यदि इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा ए बाई आर
कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू का मान हम रख देते हैं पाई बाई टू माइनस फाई, तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वेयर फाई। साइन स्क्वेयर फाई अपने पास आ गया ए बाई आर की वैल्यू। अब चूंकि डी एस बाई डी साई का मान अपन निकाला था, समीकरण अपन लिखी थी डी एस बाई डी साई का जो मान था वो अपन लिख सकते हैं डी एस बाई डी साई इज़ नथिंग बट टू आर अपॉन साइन फाई। और यदि साइन फाई की ये वैल्यू अपनी यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगी मेरे पास डी डी एस बाई डी साई इज इक्वल टू टू ए साइन क्यूब फाई। अब अपने इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर सपोज ए, पीछे नंबर क्या दिया ध्यान नहीं, तो मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन होगी, आंसर हमें डी एस अपॉन डी साई ही चाहिए। अब डी साई इस यहाँ पर फाई नहीं चाहिए, तो अब अपने पास जो इक्वेशन थी एक नंबर उस इक्वेशन से देखें तो मेरे पास क्या था फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो जाएगा टू फाई इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, या और डिस्कन बेटर है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टू फाई। अब जो अपने पास समीकरण है बेसिक जो इक्वेशन है उसमें थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साई में यदि सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो अब मेरे पास ये आ जाएगा थीटा का मान यदि रखता हूँ तो ये आ जाएगा पाई माइनस टू फाई प्लस फाई इज इक्वल टू साई, या पाई माइनस फाई इज इक्वल टू साई, और विच कैन बेटर है फाई इज इक्वल टू पाई माइनस साई। तो जो मेरे पास इक्वेशन आई थी डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू टू ए साइन क्यूब फाई था, तो यहाँ पर इसका मान रख देती हो जाएगा टू ए साइन क्यूब पाई माइनस साई, और पाई माइनस थीटा ही साइन थीटा आती हो जाएगा टू ए अपॉन साइन क्यूब साई। और यही अपने को प्रूव करना था कि प्रूव दैट डी एस बाई डी साई इज इक्वल टू डैस वन। तो कुल मिलाकर के अपन ये कह सकते हैं कि कई बार सवाल अपने को सीधे सीधे नहीं दिए होते लेकिन इनडायरेक्टली अपन उसको हल कर सकते।